हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 7, रणोजीत्स पार्टी। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। डू यू नो ऑफ दिस गेम, क्या इस गेम को आप जानते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस गेम को? एंड हाउ इज इट प्लेड, ये कैसे खेला जाता है? डिस्कस योर व्यूज इन द ग्रुप। ओके, यू कैन टेल अस अबाउट दिस गेम बाय मेकिंग अ वीडियो। एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप हमें बता सकते हैं how is it played? Okay, let's start the chapter. The children living in Jatin Das Lane were very excited. तो जो बच्चे हैं, जतिन दास लेन एक जगह का नाम है, यहाँ जितने भी बच्चे रहते थे वो सभी excited थे काफ़ी। क्यों? It was रणोजीत's 8th birthday. क्योंकि आज जो है रणोजीत का birthday था, 8th बर्थडे, यानी वो 8 ईयर्स का हो जाएगा। हिज मदर अमिता ऑलवेज थ्रू अ पार्टी फॉर द चिल्ड्रन ऑन हिज बर्थडे। तो जो रणोजीत की मदर थी मिसेज अमिता, वो हर बर्थडे पर बच्चों के लिए एक पार्टी रखा करती थी। शी इनवाइटेड ऑल द चिल्ड्रन इन द ब्लॉक, देयर वर 13 इन ऑल। तो उन्होंने सभी बच्चों को उस पार्टी में इनवाइट किया, जो कि सारे टोटल बच्चे कितने थे, 13 चिल्ड्रन थे। The children reached Ranojit's house at 5 o'clock. सभी बच्चे रणोजीत के घर पर 5 o'clock पहुंच गए। Aunt Amita was happy to see them arrive on time. सभी बच्चों को टाइम पर आता देखकर Aunt Amita जो थी वो काफी हैप्पी हो गई, खुश हो गई। She said, "Hello children, come on, let's play musical chairs in the garden. We'll have fun." तो उन्होंने बोला, चलिए बच्चों, हम लोग गार्डन में चलकर म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं और काफ़ी मजे करते हैं। आपने भी खेला होगा म्यूजिकल चेयर्स, है ना, अच्छा गेम है। एंड इट वॉज सच फन, इसमें वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा था। आंट अमिता प्लेड सम लाइवली म्यूजिक फॉर द गेम। तो जो आंट अमिता थी उन्होंने लाइवली म्यूजिक, उसी समय जब बच्चे खेल रहे थे, कुछ म्यूजिक प्ले किया। The chairs were small. जो chairs थी वो छोटी छोटी थी। And the children kept falling off them. But they thoroughly enjoyed the game. हालांकि chairs वहाँ छोटी छोटी थी और कई बार बच्चों से वो chairs गिरी भी, लेकिन बच्चों ने वहाँ काफ़ी enjoy किया। Then Aunt Amita said, let's play the dog and the bone. फिर आंट ने बोला कि चलिए अब हम सभी लोग dog and bone, ये वाला game खेलेंगे। ओ यस, वी लव दैट गेम, सेड नादिया। तो उन बच्चों में जो नादिया गर्ल होती है वो बोलती है, हाँ हमें ये गेम तो बहुत पसंद है। आफ्टर दैट सुबीर वॉन्टेड टू प्ले पिन द टेल ऑन द डंकी। उसके बाद सुबीर चाहता था कि वो पिन द टेल ऑन द डंकी, ये वाला गेम खेले। द चिल्ड्रन हैड ग्रेट फन पिनिंग द डंकीज टेल वाइल ब्लाइंड फोल्डेड। सभी बच्चों के आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। ब्लाइंड फोल्डेड होता है यानी आंखों पर, आंखों को, आईज को कवर कर देना। तो सभी लोग बच्चों ने अपनी अपनी आईज कवर करके और ये गेम एंजॉय किया। व्हेन दे फिनिश द गेम्स, आंट अमिता कॉल्ड ऑल द चिल्ड्रन इन टू द डाइनिंग रूम। जब सभी बच्चों ने खेल अपना अपना पूरा किया, फिनिश किया, उसके बाद आंट अमिता ने सभी को डाइनिंग रूम में बुलाया। रणोजीत कट द केक एंड ऑल द चिल्ड्रन हैड रिफ्रेशमेंट्स। रणोजीत ने केक काटा और सभी बच्चों ने अपना अपना जो भी रिफ्रेशमेंट हमें बर्थडे टाइम पर मिलता है, केक्स एंड नमकीन बिस्किट्स एंड ऑल, है ना। अ लिटिल लेटर रणोजीत टुक ऑल द चिल्ड्रन इन टू अनदर रूम। थोड़ी ही देर बाद रणोजीत सभी बच्चों को एक दूसरे रूम में लेकर जाता है। वी आर गोइंग टू सी समथिंग वेरी एक्साइटिंग, आई एम श्योर यू विल लव, You will enjoy it, he said. उसने बोला सभी बच्चों से, we are going to see something very exciting. हम लोग काफ़ी exciting चीज़ अब देखने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग उसे बहुत पसंद करेंगे। The room was very dark. कमरे में काफ़ी अंधेरा था। The children sat down on a carpet facing a small stage. सभी बच्चे एक कारपेट पर बैठ जाते हैं एक स्टेज की तरफ फेस करके, है ना। द स्टेज हैड अ येलो स्क्रीन विद ब्यूटीफुल ग्रीन कर्टेन्स। तो जिस स्टेज पर क्या था, एक येलो कलर की स्क्रीन थी और एक बहुत सुंदर सा ग्रीन कर्टेन्स, वहाँ पर्दे लटके हुए थे। अ लाइट केम ऑन एंड द चिल्ड्रन रियलाइज्ड
दे वर गोइंग टू सी अ पपेट शो। फिर वहाँ लाइट आती है और लाइट आने के बाद ही सभी बच्चों को ये रियलाइज़ होता है कि अब वो लोग एक पपेट शो देखने जा रहे हैं। आपने भी देखा पपेट शो, टीवी में देखा होगा। एक पपेट्स होते हैं कुछ, कठपुतली, कठपुतली जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्लॉथ से या वुडन से या वैसे मटेरियल से एक डॉल या पपेट्स, डॉल शेप में पपेट बनाए जाते हैं और उनमें कुछ थ्रेड्स वगैरह बांधकर कोई दूसरा पर्सन उसको उनको प्ले करता है। दे क्लैप लाउडली विद जॉय, सभी बच्चे खुश होकर क्लैपिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ ये पपेट्स बने हुए हैं, एक डक है और एक ये फॉक्स है और ये ऊपर जो पर्सन है ये इनको थ्रेड्स उनके हाथ में बांध कर और उनको प्ले कर रहे हैं। तो जो पपेट को शो, पपेट का शो जो दिखाते हैं, जो पपेट्स को प्ले करते हैं उनको बोलते हैं द पपेटियर। तो द पपेटियर मिस्टर खान वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। ही स्टूड बिहाइंड द येलो स्क्रीन, हिज सन अली प्लेड द फ्लूट। तो वो स्क्रीन के पीछे खड़े हुए थे और उनका बेटा जो अली था वो फ्लूट बजा रहा था। मिस्टर खान सून बिगेन द शो, मिस्टर खान ने जल्दी ही शो शुरू किया। इट वॉज द स्टोरी ऑफ अ डक एंड अ थिन फॉक्स, ये एक डक की और एक फॉक्स की स्टोरी है। Everyone enjoyed watching the fox and the duck dancing, jumping and sometimes fighting. सभी बच्चों ने देखा फॉक्स और डक को डांस करते हुए, जंप करते हुए और कभी कभी फाइटिंग करते हुए। When the puppet show was over, the children thanked Mr. Khan and Ali. तो जब puppet show over हो गया उसके बाद सभी बच्चों ने Mr. Khan को और Ali को, उनके बेटे Ali को thanks बोला। Sarah said, I shall ask mother to have a puppet show on my birthday too. तो सारा ने बोला मैं भी अपनी मदर से कहूँगी कि मेरे पर्दे पर भी ये वाला पपेट शो वो ऑर्गेनाइज करवाएं। I want a puppet show on my birthday too, said Rahul. I think I will be a puppeteer when I grow up. तो अब राहुल बोलते हैं कि मुझे भी अपने बर्थडे पर यही शो करवाना है और मुझे लगता है कि मैं भी बड़ा होकर एक पपेटियर बनूंगा। Aunt Amita was glad that the children had enjoyed themselves. Aunt Amita बहुत खुश थी, क्यों? क्योंकि सभी बच्चे अपने आप में enjoy कर रहे थे। She said, I'll give Mr. Khan's phone number to your parents. कि मैं Mr. Khan का phone number आपके parents को दे दूंगी। Then they can call him whenever you want. और जब भी आपको उन्हें बुलाना होगा तो वो आपको call कर लेंगे, मिस्टर खान को कॉल कर देंगे। द चिल्ड्रन थैंक्ड आंट अमिता फॉर द वंडरफुल बर्थडे पार्टी, सभी बच्चों ने इस वंडरफुल बर्थडे पार्टी के लिए आंट अमिता को थैंक्स बोला। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर चैप्टर, आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, आपको अच्छा लगा ना चैप्टर। नाउ राइट ऑल द हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर एंड देन लर्न देम। We will meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care.